दोस्तों, अगर आप भी रविंद्र जडेजा को दुनिया का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लड़खड़ाती हुई टीम इंडिया के तीसरे दिन ध्रुव जुड़ेल ने लगाई नया पार। अंग्रेजों की जमकर कुटाई करते हुए पलट दिया मैच का पूरा रुख। ध्रुव जुड़ेल की घातक बल्लेबाजी देखकर पूरा क्रिकेट जगत हुआ हैरान। अंग्रेजों की धज्जियां उड़ाते हुए जुड़ेल ने रच दिया नया इतिहास। आखिर कैसे टीम इंडिया ने तीसरे दिन पलट दिया मैच का पूरा पासा? कितने रनों की बढ़त हासिल कर चुकी है टीम इंडिया? कौन से दो बल्लेबाज कर रहे हैं क्रीज पर बल्लेबाजी? किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन? कितने दिनों तक पहुंचाया टीम इंडिया का स्कोर? इस रोमांचक चौथे टेस्ट मैच की अब तक की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुड़ेल में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मुकाबला रांची के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 219 रन 7 विकेट के नुकसान पर 73 ओवर में बना लिए थे। लेकिन अभी भी टीम इंडिया 134 रनों से पीछे थी। मैदान पर कुलदीप यादव 17 रन बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं उनका साथ ध्रुव जुड़ेल 30 रन बनाकर दे रहे थे। तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो ये दोनों बल्लेबाज एक बार फिर से टीम इंडिया के नैया को पार लगाने मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ियों के बीच 42 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। हर कोई इन दोनों बल्लेबाजों से बेहद उम्मीद लगाकर बैठा हुआ था। कुलदीप यादव शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। तीसरे दिन का पहला ओवर इंग्लैंड की तरफ से फेंकने शोएब बसीर आए। बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए उन्होंने पहले ही ओवर में रन फेंक दिया। भारतीय बल्लेबाजों का रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन कुलदीप और जुड़ेल मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपने 50 रनों की अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी कर ली। कुलदीप यादव पूरी तरह से संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, विकेट गंवाने का मौका नहीं दे रहे थे और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को लगातार विकेट की तलाश थी। लेकिन ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे थे जिससे उनका विकेट धीरे धीरे अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, एक अच्छे पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहे थे। टीम के लिए 81 ओवर फेंकने रॉबिन्सन की तीसरी गेंद पर ध्रुव जुड़ेल ने इतना खतरनाक स्ट्रेट ड्राइव लगाकर चौका जड़ा। इसे देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी हैरान रह गए और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। ध्रुव की बल्लेबाजी देखकर कुलदीप यादव ने भी अपने बल्ले का मुंह खोलना शुरू कर दिया। शोएब बसीर की गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन अभी भी टीम इंडिया 113 रन से पीछे थी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स विकेट की तलाश में गेंद एंडरसन के हाथों थमाई। एंडरसन भी हद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैदान पर डटकर सामना कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 66 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली। कुलदीप यादव और ध्रुव जुड़ेल मैदान पर संघर्ष कर रहे थे। भारतीय टीम इंग्लैंड के द्वारा दिए गए लीड की तरफ बढ़ रही थी और ध्रुव जुड़ेल धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी बल्लेबाजी देखकर भारतीय खेमा बेहद खुश था। हर कोई जुड़ेल से काफी उम्मीदें कर रहा था। इंग्लैंड के कप्तान को विकेट न मिलने पर पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुके थे। वह दोनों लगातार विकेटों के लिए संघर्ष कर रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 85 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 247 रनों तक पहुंचा दिया था। टीम इंडिया अभी भी 106 रनों से पीछे चल रही थी और ये दोनों बल्लेबाज 70 रन की पार्टनरशिप पूरी कर चुके थे। ध्रुव 86 गेंद पर एक गगनचुंबी छक्के 3 चौकों की मदद से 45 रन बनाकर खेल रहे थे। उनका साथ कुलदीप यादव 119 गेंद खेलकर 2 चौके के साथ 27 रन बनाकर दे रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे रन बना रहे थे और देखते देखते टीम इंडिया के स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों की बैटिंग देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक हैरान रह गए और ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया की जीत की तरफ लेकर जा रहे थे। कुलदीप यादव इंग्लैंड के खिलाड़ियों की उम्मीद पर पानी फेरना शुरू कर दिया, क्योंकि एंडरसन से लेकर रोविंशन यहां तक कि शोएब बसीर तक अपनी गेंदबाजी आजमा चुका था, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज गलती करने का नाम नहीं ले रहे थे। टीम इंडिया तीसरे दिन के पहले सेशन में इंग्लैंड के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी। ध्रुव जुड़ेल धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ कर रहे थे, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाज खतरनाक गेंदबाजी करना ज्यादा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन टीम इंडिया कछुए की रफ्तार से धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। कुलदीप यादव की बल्लेबाजी देखकर भारतीय खेमा हैरान था। कुलदीप जिस अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे उससे हर कोई हैरान था, क्योंकि कुलदीप यादव प्रोफेशनल बल्लेबाजी की तरह इंग्लैंड के गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। लेकिन 89 ओवर फेंकने एंडरसन ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव को क्लीन बोल कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 76 रनों की पार्टनरशिप कुलदीप और जुड़ेल के बीच टूट गई। टीम इंडिया को 8वां बड़ा झटका लग गया। कुलदीप का विकेट देखकर भारतीय खेमा एक बार फिर सन्नाटे में आ गया। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी निराश हो गए, लेकिन जुड़ेल मैदान पर टिके हुए थे। खतरनाक बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए ध्रुव ने अपने पहला अर्धशतक ठोका, फिर बल्लेबाजी का नजारा दिखाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मैच को बराबरी पिला दिया। 88.3 ओवर में 8 विकेट जमा कर 253 रन बना लिए और मैदान पर जुड़े आकाशदीप बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम इंडिया इस मैच में शानदार वापसी करते हुए नजर आने लगी। पहला सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। दोस्तों, हम जल्द घोड़ी चढ़ेंगे यशस्वी जायसवाल। खुद उनके माता पिता ने किया स्मृति मंधाना के साथ शादी को लेकर बड़ा खुलासा। तो आखिर क्या सच में स्मृति मंधाना और यशस्वी जायसवाल करने वाले हैं शादी? अब कब ये दोनों कपल करने वाले हैं विवाह? क्या ये दोनों एक दूसरे के प्यार में हो चुके हैं पागल? क्या कुछ जायसवाल के माता पिता ने किया खुलासा जिनकी बातों ने तो भारतीय क्रिकेट में हाहाकार मचा दिया? ये तो हम आपको उनके बयान में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मुकाबला रांची के मैदान पर खेला। रविंद्र जडेजा की कातिलाना गेंदबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने पूरी इंग्लैंड टीम को दूसरे दिन की सुबह 335 रनों पर ऑल आउट कर दिया। अब भारतीय बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य का जल्द से जल्द पीछा कर उनकी लीड खत्म करने की जिम्मेदारी थी। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा हर मैच की तरह इस मैच में भी ओपनिंग करने मैदान पर आए, लेकिन रोहित शर्मा ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा एंडरसन के शिकार हो गए। भारतीय टीम को पहला झटका केवल 4 रनों के स्कोर पर लग गया, लेकिन यशस्वी जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे। वो शुभमन गिल के साथ मिलकर टीम इंडिया की पारी को संभाल रहे थे। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए जा रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा चुके थे। साथ ही साथ दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी की। जायसवाल बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। वो इंग्लैंड के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे, लेकिन तब तक 25वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल भी उनके साथ छोड़कर पवेलियन लौट गए। गिल 38 रन बनाकर शोएब बशीर के शिकार हो गए और भारतीय टीम को दूसरा झटका 86 रनों पर लग गया। लेकिन जायसवाल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। वो खतरनाक बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना अर्धशतक ठोक दिया। धीरे धीरे शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन टीम के लिए 47वां ओवर लेकर आए शोएब बशीर ने यशस्वी जायसवाल को बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जायसवाल 73 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, अपने शतक से चूक गए। वो बेहद निराश नजर आ रहे थे, लेकिन भारतीय खेमा इस खिलाड़ी के लिए तालियां बजा रहा था। वहीं उनकी बल्लेबाजी देखकर स्मृति मंधाना एक बार फिर से उन पर फिदा हो गई और फिर उन्होंने शादी का खुलेआम ऑफर भी दे दिया। लेकिन अब इस शादी पर जायसवाल के माता पिता ने खुलासा कर हर किसी को हैरान किया है। तो चलिए अब हम आपको उनके माता पिता के बयान को सुनाते हैं, आखिर क्या कुछ उन्होंने शादी को लेकर खुलासा किया है। यशस्वी जायसवाल की माता जी ने बयान देते हुए शादी को लेकर कहा कि यशस्वी बड़ा हो चुका है, अब वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है। अभी उसका पूरा फोकस क्रिकेट खेलने पर है, वो अपने गोल पर ध्यान दे रहा है। अभी शादी की उम्र तो नहीं हुई है, लेकिन उसकी खुशी में हमारी खुशी है। वो जो भी कुछ करेगा हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। हम उसकी हर बात को स्वीकार करते हैं। हमें पता है कि वो ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगा जिससे परिवार को नुकसान पहुंचे, इसीलिए हम सभी लोग उससे बहुत विश्वास करते हैं। वहीं यशस्वी जायसवाल के पिता भी शादी को लेकर बयान देते हुए कहने लगे कि यशस्वी काफी समझदार लड़का है। वो परिवार के हालात और परिस्थिति को समझते हुए उसने बहुत कुछ कम उम्र में किया। हम लोगों को भी उसके सफलता पर काफी गर्व महसूस होता है। वो जो कुछ भी करेगा अपना डिसीजन लेकर करेगा, उसकी खुशी में हम सबकी खुशी है। अब वो बड़ा हो चुका है, उसे हर चीज की समझ बूझ है। वो अपने क्रिकेट करियर पर ज्यादा फोकस करता है, उसे अपना लक्ष्य पता है कहां तक जाना है। तो दोस्तों देखा आपने, जायसवाल के माता पिता के बयान से तो साफ नजर आ रहा है कि जायसवाल जो कुछ भी कर रहे हैं उनकी नजर में काफी अच्छा है। दोस्तों 73 रन बनाकर पवेलियन लौटते फूट फूट कर रो पड़े यशस्वी जायसवाल, जिसे देखकर केवल करोड़ों हिंदुस्तानियों का ही दिल नहीं पसीज गया, बल्कि महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना भी बेहद भावुक हो गई। और फिर जायसवाल के लिए उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिनकी बातें सुनकर तो आप भी उन्हें सलाम करेंगे। तो आखिर जायसवाल की इस पारी पर स्मृति मंधाना ने ऐसा क्या कह डाला कि हर किसी का दिल जीत लिया? क्यों पवेलियन लौटते समय फूट फूट कर रो पड़े यशस्वी जायसवाल? क्या कुछ मंधाना ने उनकी पारी पर कहा, ये तो आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जायसवाल और शुभमन गिल में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मुकाबला रांची के मैदान पर खेला गया। इंग्लैंड की तरफ से जो रूट ने बेहतरीन शतक लगाया, लेकिन रविंद्र जडेजा की कातिलाना गेंदबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने पूरी इंग्लैंड टीम को दूसरे दिन की सुबह 335 रनों पर ऑल आउट कर दिया।